हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं मनदीप लांबाज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपकी 39 विषयों में यानी कि 39 सब्जेक्ट में आपकी पीएचडी सीट्स आई हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फेलोशिप का भी प्रावधान है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके साथ साथ ग्रेड ए इसको मिली हुई है। सभी चीजें डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले जो सीरेट है आपकी 2020 यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने आपका कॉम्बाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट लेगा जो कि 2020 का आपका होने वाला है। इसके लिए आपका जो अप्लीकेंट है, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। ऑफलाइन का कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। टेस्ट की फ़ी की बात करें तो अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1600 रुपये फीस और एससी एसटी पीएससी यानी फिजिकल हैंडीकैप के लिए यहाँ पर 800 रुपये फीस होने वाली है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होने वाली जब भी आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे उसमें भी। और शेड्यूल की बात करें तो 28 अगस्त से पहले पहले आप इसमें फिल कर दें, अपना जो भी अप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर दें ताकि आपको कोई समस्या ना हो। जो भी एडमिट कार्ड की बारे में बात है वो आपको इस चैनल पे बता दी जाएगी, आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बाद में आपका पॉइंट आता है कि जो भी पीएचडी है पीएचडी के लिए क्या जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं। तो जनरल इन्फॉर्मेशंस में आपका सबसे पहले तो ऑप्शन ये होगा कि जो सी रेट 2020 है वो आपको लेना होगा, क्वालिफाई करना होगा आपका, जो कि कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का यहाँ पर कहा गया है जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट कराएगी, राइट। उसके बाद आपका जो 55% आपके यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन में नंबर होने चाहिए, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर रिजर्वेशन कैंडिडेट हैं उनके 50% भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ले सकते हैं। ओबीसी जन एससी आपके एसटी और फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए राउंडिंग ऑफ का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर अगर आपके 54.9% भी रहेंगे तो भी आपका कोई ऑप्शन यहाँ पर एडमिशन के लिए नहीं बनेगा, तो आप यहाँ पर फिल ही ना करें, राइट। इसके साथ साथ सी रेट है जो आपका वो 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया हुआ है, एक तो पेपर 1 और एक आपका पेपर 2। तो लेवल 1 में आपका जो 2 पेपर होंगे उनमें पेपर 1 तो आपका 50 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनके 1-2 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है। ये आपका 50% तो आपका जो रिसर्च मेथोलॉजी है उससे आएगा और 50% आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है जिससे आप अप्लाई करना चाहते हैं उससे आएगा। 25 क्वेश्चंस आपके रिसर्च मेथोलॉजी के और 25 क्वेश्चंस आ यहाँ पर जो सब्जेक्ट आप फिल करेंगे उसके रिगार्डिंग आने वाले हैं। यहाँ पर पेपर 1 के लिए 30 मिनट होंगी और पेपर 2 के लिए आपके जो 2 है उसके लिए 120 मिनट होंगी। टोटल आपके यहाँ पर आपके जो टाइम है आपका बोथ पेपर में टोटल मार्क्स आपके 300 नंबर का होने वाला है। फर्स्ट जो पेपर रहेगा उसमें आपका 100 मार्क्स होंगे और 50 क्वेश्चंस होंगे, 30 मिनट में आपको करना होगा। दूसरा पेपर आपका 200 नंबर का होगा, 3 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट में आपको देना होगा। उसके बाद जो लेवल 2 है, लेवल 2 आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपके प्रेजेंटेशन के थ्रू, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू या कोई भी और जो एडमिनिस्टर जो भी आपका टूल है वो यूज़ किया जा सकता है आपका इंटरव्यू के लिए, ये आपका कोई मेंशन नहीं है, राइट। इसके साथ साथ जो लेवल 1 आपका एग्जेम्प्टेड रहेंगे वो कौन कौन कैंडिडेट रहेंगे ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो जो भी यूनिवर्सिटी में टीचर है आपके इस यूनिवर्सिटी में या इसके कॉलेजेस में आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, तो पीएचडी के डायरेक्ट आप इंटरव्यू में जाएंगे। उसके साथ साथ जो JRF आपके कैंडिडेट हैं जो कि UGC और CSIR के रिगार्डिंग, वो आपके डायरेक्ट लेवल 1 आपको नहीं देना होगा, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे। और उसके साथ साथ जो सर्विंग पर्सन है आर्मी में, आपके एयरफोर्स में, नेवी में, जिन्होंने आपका 15 साल नौकरी कर चुके हैं वो अपना डायरेक्ट यहाँ पर आप लेवल 2 में जा सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ आप रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन पीएचडी प्रोग्राम के लिए यहाँ पर 15% जो सीट्स होंगी वो शेड्यूल कास्ट के लिए रहेंगी, आपकी 77.5 आपकी परसेंट शेड्यूल ट्राइब के लिए रहेंगी, 27% आपके ओबीसी के लिए रहेंगी, 5% आपके यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की या जो फिजिकल हैंडीकैप पर्संस हैं उनके लिए रिजर्व रहेगी, राइट। इसके बाद जो आपके पीएचडी है, पीएचडी में आपका यहाँ पर जो मेंशन है कि आपको मिनिमम मार्क्स का भी यहाँ पर है, तो जनरल कैंडिडेट आपके 50% आपके नंबर होने लेने होंगे यानी कि 150 नंबर, और ओबीसी एससी एसटी पीएस कैंडिडेट 135 नंबर लेकर यहाँ क्वालिफाई हो जाएंगे।
EWS की बात करें तो EWS भी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर भी आपको सिलेक्ट किया जाएगा या आपको वहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिलेगा। इसके साथ साथ जो सीरेट एडमिशन 2020 है उसमें सीरेट की आपकी 70% वेटेज रहेगी और 30% आपकी इंटरव्यू की वेटेज रहेगी। और जो किस आधार पे आपके जो नंबर्स दिए जाएंगे वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपके नंबर यहाँ पर इस टूल में दिए जाएंगे, यानी कि JRF जो कैंडिडेट होगा JRF या स्लैट और नेट वाला 3 नंबर होंगे और आपके JRF वाले को 5 नंबर दिए जाएंगे, या आप देख सकते हैं जो भी आपकी सिस्टम रहता है। इसके साथ साथ सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं तो सीरेट 2020 में कौन कौन सी सब्जेक्ट आए हैं, तो जो ये AU है ये आपका यूनिवर्सिटी का खुद का जो कैंपस है उसमें है, और ये जो सभी हैं या आपके इसी इसके जो भी आपके एफिलेटेड कॉलेज हैं उनमें आपकी PhD की सीट रहने वाली है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 2 सीट हैं, एंशियंट हिस्ट्री कल्चर आर्कोलॉजी में 16 सीट हैं, एंथ्रोपोलॉजी में 2 सीट हैं, अरेबिक में 2 सीट हैं, एटमोस्फेरिक एंड ओशनिक साइंस में 2 सीट हैं, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव साइंस में आपकी 4 सीट हैं, बायोकेमिस्ट्री में 13 सीट हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 1 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी में 5 सीट है, बोटनी में 54 सीट है, केमिस्ट्री में आपके 69 सीट्स हैं, कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 28 सीट हैं, कंप्यूटर साइंस में 15 सीट है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक जो स्टडीज़ हैं उनमें 18 सीट रहने वाली हैं। ये आपका जो आर्मी पर्सन हैं उनके लिए यहाँ पर रिजर्व रहेंगी। ये जो सीट्स हैं आपका विवरण आप देख सकते हैं, रूरल टेक्नोलॉजी के 4 सीट हैं, डेवलपमेंट एंड स्टडीज़ की 3 सीट हैं, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस की 9 सीट हैं, आपके इकोनॉमिक्स में 16 सीट हैं, एजुकेशन में 35 सीट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 6 सीट रहने वाली हैं, इंग्लिश में आपकी 26 सीट हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सटेंशन जो एजुकेशन है उसमें 2 सीट, ज्योग्राफी में 8 सीट, हिंदी में 23 सीट, लॉ में 25 सीट, मैटेरियल साइंस में आपकी 10 सीट, मैथमेटिक्स में 4 सीट, मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री में 14 सीट, पेंटिंग में 4 सीट, पर्शियन में 2 सीट, साइकोलॉजी में 6 सीट, फिजिक्स में 20 सीट, पॉलिटिकल साइंस में 53 सीट, सोशियोलॉजी में 4 सीट, संस्कृत में 16 सीट, आपकी सोशियोलॉजी में संस्कृत और सोशियोलॉजी में आपकी 16 और 11 सीट, स्टेट्स में 2 सीट, टेक्सटाइल एंड डिजाइनिंग में आपकी 4 सीट और जूलॉजी में 36 सीट रहने वाली है। ये आपका सीट्स का विवरण रहा, और उसके बाद आपका जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आपके डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपने सुपरवाइजर के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका रहेगा, ये आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर टीचर है आपके यूनिवर्सिटी में और या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट है या फिर आपका यहाँ पर कोई एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है तो हार्ड कॉपी उनको सेंड करनी होगी अप्लीकेशन फॉर्म को वहाँ पर फिल करके, और उसको रजिस्ट्रार या प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर सेंड करना होगा। जो भी पर्सन एग्जेम्प्टेड हैं यहाँ पर जो सीरेट लेवल फर्स्ट टेस्ट के रिगार्डिंग उनको यहाँ पर सेंड करना होगा, तो ये आप देख लें कि सीरेट से कौन एग्जेम्प्टेड है उनको यहाँ पर हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी, राइट। और उसके साथ साथ जो आप फॉर्म फिल करें वो एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर एनक्लोज करके आप सेंड करना होगा। तो होप आपको सभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी ऐसी आशा करता हूँ, और बहुत अच्छे से सभी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना प्यारे प्यारे फीडबैक भी हमारे साथ शेयर करें, आपका सभी डाउट्स क्लियर होंगे। दूसरी बात, आपके जो ये पूरा नोटिफिकेशन है ये आपका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।